तो आपको प्रॉब्लम क्या आएगी? प्रॉब्लम ये आएगी कि आपके पास सपोज एक डिस्क है, पहले समझ लो ये हम क्यों करने जा रहे हैं। सपोज आपके पास एक डिस्क है, एक डिस्क का मास m है और रेडियस इसका r है, सेंटर्स का यहाँ पे। आपने क्या किया, इतना पोर्शन डिस्क का काट दिया और फेंक दिया, ठीक, ऑफ डायमीटर r एंड रेडियस r बाई 2 फेंक दिया। अब आपका मास इस पोर्शन में बच गया, सेंटर ऑफ मास, पहले जब ये डिस्क नहीं कटी थी कहाँ पर था, एग्जैक्टली इसके सेंटर पे। अब सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा जहाँ ज़्यादा मास है, तो कितना शिफ्ट हो गया बाय x। क्वेश्चन आएगा काटने के बाद कितना शिफ्ट हुआ ये बताओ, ये क्वेश्चन है, ठीक। इसके लिए फॉर्मूला बुकलेट में आप ये फॉर्मूला लिखें, इफ सम मास इज रिमूव फ्रॉम अ रिजिड बॉडी, एक रिजिड बॉडी में से कोई मास को हमने काट दिया, रिमूव कर दिया, तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन इज ऑब्टेन्ड बाय दिस फॉर्मूला एम वन आर वन वेक्टर माइनस एम टू आर टू वेक्टर बाय एम वन माइनस एम टू। ये तब लगेगा जब आपको एम वन मास ऑफ डिस्क और उसका पोजीशन वेक्टर, जो कटा हुआ मास है डिस्क का उसका मास और उसका पोजीशन वेक्टर गिवन है। वैसे ज्यादातर ये फॉर्मूला लगता है, मैं इसको यूज करूंगा ए वन आर वन वेक्टर माइनस ए टू आर टू वेक्टर बाय ए वन माइनस ए टू। मैं कोई भी यूज कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको भी यूज कर सकते हो, इसको कर सकते हो, कभी कभी मैं ये यूज करूंगा एम वन एक्स वन माइनस एम टू एक्स टू एम वन माइनस एम टू और या फिर ऐसी वाई कोऑर्डिनेट का, ठीक। तो मैं इसको भी यूज़ कर सकता हूँ, मैं इसको भी यूज़ कर सकता हूँ, कोई भी, आप चारों फॉर्मूला एक ही रिजल्ट देंगे, आप चारों यूज़ कर लो। मैं आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करके दिखाता हूँ। इसके अंदर ये जो टर्म है ये बड़ी डिस्क की टर्म है बिना कटे, ये जो टर्म है ये कटी हुई डिस्क की टर्म है जिसको काट के फेंक रहे हैं, और ये बड़े वाला एरिया का एरिया है, बड़ी डिस्क का एरिया है, और ये छोटे डिस्क का एरिया है। माइनस करना है क्योंकि वो एरिया रिमूव हो रहा है, मास भी माइनस कर रहे हैं, एरिया भी माइनस कर रहे हैं। चलो यूज करके देखते हैं, कोई भी फॉर्मूला लगा लो सब सेम रिजल्ट देंगे, आपकी मर्जी, आप ये लगाओ, ये लगाओ, ये या ये, जो मर्जी लगा लो, ठीक। करें एग्जांपल के साथ करते हैं, देखो फॉर्मूला बुकलेट में नोट कर लेना, इस फॉर्मूला को इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं ये चारों। तो क्वेश्चन आएगा कि अगर आपके पास एक डिस्क है, तो जैसे आपके पास अगर कोई डिस्क है और कभी कभी इस डिस्क डिस्क जो बॉडी होती है वो 2D बॉडी होती है, 2D का मतलब एक्स वाई प्लेन में होती है, स्फेयर 3D बॉडी है, जेड एक्सिस में भी मास होता है, तो जो बॉडीज 2D में होती हैं फिजिक्स में उसको बोलते हैं लेमिना, LAMINA। वैसे बता दूं ये वर्ड यूज अगर मिल जाए इसका मतलब बॉडी 2D बॉडी है, शीट एक लैमिना है, डिस्क एक लैमिना है, सॉलिड स्फीयर एक लैमिना नहीं है, ठीक है यहाँ तक। तो कह रहे एक लैमिना है या एक यूनिफॉर्म लैमिना, मतलब 2D बॉडी है, डिस्क है ये एज शोन, इसका रेडियस क्या है, a है। तो आपने इस डिस्क का छोटी डिस्क काट दिया और फेंक दिया मास, जिसका डायमीटर क्या है, a है, तो बची हुई डिस्क का सेंटर ऑफ मास लेफ्ट शिफ्ट हो गया, तो नया सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या होगा ये निकालना है। तो रूल नंबर वन, पहले इसको काटो मत, पूरा एरिया बोलो इसका कितना है, पाई ए स्क्वायर, ए वन आ गया बड़ी डिस्क का। अब नेक्स्ट ए टू क्या है, छोटे डिस्क जिसको काट के फेंक रहे हैं इसका रेडियस क्या है, ए बाई टू, इसका एरिया क्या होगा, पाई इंटू ए बाई टू का स्क्वायर, ए वन आ गया, ए टू आ गया। नेक्स्ट है बड़ी डिस्क का कोऑर्डिनेट, अगर ये नहीं कटी थी, बड़ी डिस्क का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पहले यहां पर था 0,0, एक्स वन वाई वन आ गया लार्ज डिस्क, और छोटे डिस्क का सेंटर यहां पर था, और अगर छोटे डिस्क का सेंटर यहां पर था तो ये डिस्टेंस यहां से यहां क्या बनेगा, ए बाय 2,0, तो ये देखो ए बाय 2,0, क्लियर है यहां तक। तो आपने क्या किया, बड़ी डिस्क का एरिया निकाला, बड़े डिस्क का सेंटर ऑफ मास निकाला, उसके कोऑर्डिनेट्स निकाल ले, छोटे डिस्क का एरिया निकाला ए टू, छोटे डिस्क के सेंटर ऑफ मास जो है सेंटर का कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए, ए वन आ गया, ए टू आ गया, एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू, लगाओ फॉर्मूला।
तो फॉर्मूला इसमें क्या लगेगा, ए वन एक्स वन, ए टू एक्स टू, ए वन माइनस ए टू, बड़ी डिस्क का कोऑर्डिनेट, छोटी डिस्क का एरिया, छोटी का कोऑर्डिनेट, बड़ी डिस्क का एरिया, छोटी डिस्क का एरिया, आंसर माइनस ए बाय सिक्स, एक मिनट में आंसर आना ही आना है इस टाइप का प्रॉब्लम, कुछ भी नहीं करना, बस फॉर्मूला यूज करो, आंसर पॉइंट समझ में आ रहा है। हाँ, वो शेप चेंज कर सकता है, डिस्क में से एक रोम्बस काट सकता है, कोई बात नहीं, रोम्बस का एरिया ए टू निकाल लेना, होमवर्क दूंगा करने के लिए आपको रोम्बस वाला आज तो ए टू निकाल लेना, उसमें क्या फर्क पड़ता है, स्क्वायर काट देगा, स्क्वायर का एरिया पता है, स्क्वायर मेथड समझ में आ रहा है कैसे लगेगा, ठीक है। अब सपोज करो आपके पास एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि आपके पास फिर से एक डिस्क है, नई प्रॉब्लम है, एक डिस्क है, आपने इस डिस्क में से छोटे डिस्क को काट दिया, फेंका नहीं, इसके ऊपर रख दिया, लेफ्ट से काटा राइट पे रख दिया, सेंटर ऑफ मास सब कहाँ मिलेगा आपको, राइट की तरफ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, नया कोऑर्डिनेट निकालो, कुछ भी नहीं टेंशन, कितनी बॉडीज हैं, तीन, पहली बॉडी ये, दूसरी बॉडी ये, और तीसरी भी यही, राइट। तो चलो शुरू करते हैं, जिस डिस्क को आपने काटा छोटी डिस्क, उसका रेडियस क्या है, आर बाई टू, आर बाई टू, तो इसका रेडियस, इसका मास निकाल लेते हैं, तो अगर मास, अगर एरिया पूरी डिस्क का पाई आर स्क्वायर है, तो मास क्या होगा पूरी डिस्क का, एम, वन है तो एम डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर, और छोटी डिस्क का एरिया कितना है, पाई इंटू आर बाई टू का स्क्वायर, तो मास क्या होगा, एम बाय पाई आर स्क्वायर इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर बाय फोर, तो यहाँ से आंसर क्या आएगा, एम बाय फोर। सबसे पहला काम कटी हुई डिस्क का मास निकालना, तो बड़ी डिस्क का अगर मास एम है तो कटी हुई डिस्क का एम बाय फोर है, नहीं तो ऐसे कर लो, मास अपॉन मास पर यूनिट एरिया इंटू एरिया एक ही बात है, क्या स्टेप क्लियर है यहाँ तक। अब शुरू करते हैं, सबसे पहले मैंने आर वाला, देखो आप एरिया का फॉर्मूला लगा लो या आर का फॉर्मूला एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आपने फॉर्मूला लगाना है ए वन वाला, ए वन एक्स वन वो लगा लो, उसमें एरिया निकाल लेना सारी डिस्क का, मैंने आर एम आर वन लगा लिया तो इसलिए मेरे को मास निकालना पड़ गया, अगर आपने मास नहीं निकालना आप एरिया निकाल लो, ए वन ए टू ए थ्री एक ही बात है, ठीक। तो इसमें बड़ी डिस्क का मास क्या है, एम, बड़ी डिस्क का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, जीरो, तो जीरो, जिस डिस्क को काटा, ये इंपॉर्टेंट है, इस डिस्क को काटा और बाहर निकाला, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, माइनस आर बाई टू, इसका मास क्या है, एम बाई फोर, तो माइनस इसलिए क्योंकि हमने इसको बाहर निकाला, तो माइनस मास इंटू कोऑर्डिनेट क्या है, माइनस आर बाई टू। फिर उस डिस्क को इसके ऊपर रखा, रखने का मतलब ये टर्म अब पॉजिटिव होगी, निकालने का मतलब ये टर्म नेगेटिव, रखने का मतलब ये टर्म पॉजिटिव, तो एम बाई फोर को रखा और कोऑर्डिनेट क्या बनाया उसका, आर बाई टू, आर बाई टू, टोटल डिस्क में से इतना पोर्शन काट दिया इतना रख दिया, और डिवाइड बाय टोटल मास एम था, इतना काट दिया इतना रख दिया, सॉल्व कर लो आंसर आ गया आर बाय फोर। मेथड समझ में आ रहा है, वैसे ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं आता, बस काट के फेंकने वाला ही आता है, तो दो ही ए वन ए टू वाला फॉर्मूला एकदम जबरदस्त फॉर्मूला है, उससे ऊपर मैं देखा नहीं आता, हालांकि मेरे पास ज़्यादा है ये थोड़ा किया हुआ मैंने, बट पॉइंट समझ में आ रहा है।